मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिला मिनी नागपुर से अपनी पहचान कायम करता जा रहा है। कारण है कि जिस प्रकार कानपुर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में राजगढ़ जैसे मीठे व रसीले संतरे को राजगढ़ के नाम से जाना जाता है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में देश में सबसे अधिक स्वादिष्ट संतरा उत्पादक में जिले का नाम रोशन हो सकता है। संतरा उत्पादक किसानों का कहना है कि जिले के जलवायु व प्रकृति इतनी अलग है कि यहाँ के संतरे की मिठास के लिए दूर दूर के खरीदार प्राथमिकता देते हैं व सबसे पहले राजगढ़ के संतरे की मांग करते हैं। जैसे ही संतरे से भरी गाड़ी वहां पहुंचती है तो हाथों हाथ महंगे दामों पर माल बिक जाता है। इस समय जिले में करीब 21,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में संतरे का उत्पादन हो रहा है। हालांकि मौसम की मार कुछ संतरे की फसल पर आई है, लेकिन स्वाद में तो अभी भी उतनी ही मिठास कायम है। कहा जाता है कि जिसने भी राजगढ़ जिले के संतरे का एक बार स्वाद ले लिया, वो स्वाद को भूल नहीं सकता। हमारा नाम जुले सिंह है। यहाँ का संतरा फेमस है अपने यहाँ का? राजगढ़ जिले के संतरे फेमस है। कहाँ कहाँ जाते हैं ये? ये कानपुर है, दिल्ली है और यूपी में कहीं भी जो ये लोग बेच सकते हैं। अच्छा, अपने यहाँ के संतरे में ऐसी क्या बात है जो लोग बाहर के पसंद करते हैं? अपने यहाँ के बाहर के लोग इसलिए आते हैं, ये संतरा टिकाऊ है और मीठा है, इसलिए लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, ये आपके बगीचे में आए? आपके बगीचे के अलावा और भी दूसरे बगीचे खरीदने जाते होंगे? हाँ, ये सब दूर खरीदे, इतने खरीदे सब बगीचे, सभी जगह। ये जो उदनखेड़ी वाले हैं ये हमेशा हमारा बगीचा ले जाता है, और हमारा तो 6-7 साल में अब के आया बगीचा। महाराष्ट्र के फ्रूट व्यापारी राहुल ने बताया कि राजगढ़ जिले का संतरा साइज में बड़ा रहता है व खाने में टेस्टी होता है, इस कारण प्रदेश के बाहर अधिक मांग है। यहाँ के संतरे की विदेश में तो जाता ही है, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में भी अधिक डिमांड है। जैसे बेस्ट क्वालिटी है, साइज में होता है, खाने में टेस्ट रहता है, इसमें मीठा होता है, और यहाँ का संतरा विदेशों में जाता है, जैसे कि अपना दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कानपुर। अभी लगभग हमने 100 के ऊपर तो हमने गाड़ी दे दी अभी तक के, सर अभी 90 के बगीचे तो हो गए और बचे हमारे समझो 50-60 बगीचे और बाकी है, उनके बाद फिर वो ख़त्म होने के बाद हम हमारे गांव चले जाएंगे। अच्छा, आप संतरे यहीं पर लेने आते हैं हर बार? हाँ, हर साल आते हैं। राजगढ़ आते हैं? हाँ, राजगढ़ आना पड़ता है ना, इधर की संतरे की क्वालिटी थोड़ी बेस्ट होती है। अच्छा, इसलिए इधर की संतरे को थोड़ा डिमांड भी होता है और खाने में थोड़ा टेस्ट रहता है इसमें और मीठा होता है संतरा। संतरा गर्मी की बहुत शानदार चीज़ है, इसको पूरा अपना भारत में सब दूर पसंद करते हैं इसको खाने के लिए। एमपी गाड़े संतरे का जिला राजगढ़। सबसे ज़्यादा संतरे कहाँ के अच्छे हैं? सबसे ज़्यादा संतरा हमारे जिला राजगढ़, एमपी के जिला राजगढ़ के। क्यों पसंद करते हैं इधर का? पसंद करते हैं सब लोग, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, मद्रास। कितनी गाड़ी भर चुके हैं अभी तक? कम से कम 60-70 गाड़ी भर चुके हैं। 70 गाड़ी भर चुके हैं इस सीजन में? इस सीजन में। सबसे ज़्यादा गाड़ी कहाँ की भरी आपने? सबसे ज़्यादा गाड़ी हमने अपने कानपुर भरा, बेंगलोर, मद्रास। मद्रास वो कहाँ से संतरे भर के ले जाते हैं आप? ये जिला राजगढ़ से ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं। राजगढ़ के संतरे में ऐसी क्या खासियत? ये एमपी की मट्टी है, इसमें जोरदार चीज़, मिठास अच्छी रहती है, सब चीज़ अच्छी रहती है, इसको खाने में बहुत मज़ा आता है। वो सबसे ज़्यादा टेस्ट संतरा कहाँ रहता है? संतरा ये हमारे एमपी का रहता है सबसे जोरदार। एमपी का कहाँ का? जिला राजगढ़। राजगढ़ का? राजगढ़ डिमांड है उधर इसकी। हाँ। क्या भाव बिकता होगा ये? 60-70 रुपये केजी बिकता है यहाँ का संतरा। हाँ। और बाकी और जगह का? और जगह का नहीं है, हमारे को तो हमारे एरिया का आइडिया है। अच्छा, इधर बहुत मांग है मतलब। हाँ। राजगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट।